ओम शांति। 5 दिसंबर 2023 की साकार मधुर मुरली है। ज्ञान के सागर, प्यारे मीठे बाप दादा, हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। प्रश्न, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर, तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और कुवत कुछ और। इतना भी कोशिश करे, ये भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलामिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है, जो साक्षात्कार किए हैं, वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है, जिस बाप से इतना ऊंच वर्षा मिलता है। भक्ति में सुख नहीं है, भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना? जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार ही नहीं। वास्तव में ये सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है, बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई न कोई अकल्याण होता है। सत्युग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहां कभी रोते नहीं, अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? अगर सर्वव्यापी है तो मनुष्य किसको कहते हैं कि कल्याण करो? परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी, वह एक ही कल्याणकारी है तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो, परमपिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वह परमपिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? वो तो जरूर संगम पर ही आते हैं ना, परमपिता परमात्मा विश्व का कल्याण करने के लिए। विश्व का कल्याण करने वाला तो और कोई तो है नहीं, बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। इतनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं, मन मना भव, इसमें ही कल्याण है। सत्युग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं। त्रेता में भी जबकि रामराज्य है तो वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि दो कला कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं, उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा ले, हम कल्याण करें। हम एक को अपना कल्याण करना है, बाबा कहते हैं, हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी
एक तरफ रावण राज्य है, दूसरी तरफ मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूं। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सत्युग में होता है। बाप कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूं। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। परंतु कौन से मनुष्य है जिनको देवता बनाएंगे? वह ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी है, वह भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, स्वदर्शन चक्रधारी थे, तब ये राज्य पद पाया है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है विष्णु को, तो ये भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वह तो श्री कृष्ण को भी कह देते, विष्णु को भी कह देते, ये तो जानते नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी, जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते। ये तो ड्रामा है, तो पहले पहले बाप का परिचय दे या ड्रामा का राज समझाए। सूफी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहां जहां भक्त है उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? ये तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि ये कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़ी कहेंगे आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी तो बताएं। कुछ भी जानते नहीं। यहां तो तुमको बाप से वर्षा पाना है। ये है ईश्वरीय फैमिली। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं, जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना, सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो, बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है, दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है ना। ये धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है, वह तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनकी पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राम राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना बाप का काम है। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया है। पांच तत्व भी नालायक बने हैं, पर तो लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा भी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं, पारगति दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं, ये भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहत कुछ और होवत कुछ और।
वह चाहते हैं पीस हो, परंतु भाभी को तुम बच्चे जानते हो, तुमने साक्षात्कार किया है। वह भंग कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, परंतु ये भाभी टल नहीं सकती। अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, वह क्या कर सकते? कहेंगे ये तो गॉड का काम है, उसे एक्ट ऑफ गॉड कह देते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं, तुम जानते हो ये भावी टलने की नहीं है, अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। तुम्हारा ये है ईश्वरीय परिवार, मात पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूँ। बच्चे ही समझेंगे, नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं। हम परिचय देते हैं बाप का, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और सुदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मनमना भव मध्याजी भव का अर्थ भी ये है, बाप का परिचय दो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाए। मुख्य ये एक ही बात है, गीता में मुख्य ये एक ही भूल है। बाप कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों से कल्याण हो नहीं सकता। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो। बाप को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना, वह कहाँ रहते हैं, आते हैं वा नहीं। बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे या वहां के लिए देंगे, बाप तो सम्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हैं, शिव को सुप्रीम, शिव तो सुप्रीम फादर है ना सब आत्माओं का, वह रचता है, नई नॉलेज देते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को वह जानते हैं। वह है ऊंचे से ऊंच टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला ना सकेंगे, हमको भी उसने सिखलाया तब तो हम सिखलाते हैं ना। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मनमना भव और मध्याजी भव कहा जाता है। झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में समझाना पड़ता है, रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, बाप और वर्षे को याद करना है। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे, विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नर्क का थोड़ी मालिक बनाएंगे। दुनिया ये नहीं जानती कि नर्क का रचयिता रावण है, स्वर्ग का रचयिता बाप है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं लेने आया हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है, तोते मुआफिक नहीं। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देह अभिमान में आने की बात नहीं रहती, देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है।
बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है। बाप को कितने बच्चे हैं? फिर उनमें कोई सपूत है, कोई कपूत है। नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं काला मुंह नहीं करो। बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। इस कामचिता से तुम सांवरे बने हो। कामचिता पर थोड़े ही जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहेंगे, वो रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है। बाबा आपकी मत पर चल हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं। मंदिर के हैंड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाड़ा के ही चित्र है, ऊपर में दैवी झाड़ खड़ा है। बाकी दैवी झाड़ जो पास हो गया वह दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे, इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं, प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है, यहां भी प्रदर्शनी करेंगे। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वह भी कहते हैं वननेस हो, उसका तो अर्थ ही नहीं। बाप एक है, बाकी है भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है, आपस में मिल्क शीरखंड कैसे होंगे ये बातें समझने की है। प्रदर्शनी की वृद्धि लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे फायदा क्या हुआ? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। आज का वरदान है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। विश्लेषण, कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। ये है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसा नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है।
आज का अव्यक्त इशारा है बंधन मुक्त आत्मा शरीर को निमित्त आधार समझेगी, कभी भी अधीन नहीं होगी। ऐसे निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के उद्धार मूर्त बन सकते हैं। जितना जो अधीनता से परे है उतना सर्विस में सफलता मूर्त है। बंधन मुक्त बनने के लिए दो शब्द याद रखो, एक साक्षी और दूसरा साथी। इससे बहुत जल्दी बंधन मुक्त अवस्था बन जाएगी। आज का स्वमान है, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्बल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 9:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, और प्रातः मुरली क्लास 5:45 बजे। ओम शांति। शुभ दिवस।